नेक्स्ट देखो बेटा आपके पास अगेन लास्ट एग्जांपल है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस की, ठीक है। और ये वाला अगर न्यूमेरिकल आता तो ये पूरा कंप्लीट 4 मार्क्स के लिए अलग से सवाल आता, ये आपके पास स्टेटमेंट के साथ कंपाइल होके नहीं आता, ये पूरे 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। इसमें 1 मार्क्स का आपका पूरा बकायदा डाटा है, 1 मार्क्स का बकायदा इसका पूरा आंसर है, 1 मार्क्स का फार्मूला पूरा यहां तक जो ड्राइव होगा, और 1 मार्क्स की इसकी पूरी कंप्लीट सॉल्यूशन है। सो टोटल इज अबाउट द 4 मार्क्स, ठीक है। तो पूरा सवाल 4 मार्क्स के लिए आता है और हर साल इंपॉर्टेंट होता है ये न्यूमेरिकल, ठीक है। देखें इधर सवाल में आपके पास ये कहा गया है कि 2 गैसेस हैं, पहली गैस है हीलियम और दूसरी एक अननोन कोई भी गैस है, हमने उसको इफ्यूज कराया। इफ्यूज का मतलब क्या होता है, हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट तो हो रही है लेकिन थ्रू अ स्मॉल होल, इसको हम क्या बोलते हैं, इफ्यूजन। तो एक ही कंटेनर है, वॉल्यूम सेम है, मतलब दोनों गैसेस को हमने एक ही कंटेनर में रखा है जिसका वॉल्यूम कितना है 1.5 dm³ यानी 1.5 लीटर, मतलब 1.5 लीटर का एक कंटेनर है, उसमें हीलियम गैस भी है और कौन सी गैस है बेटा, अननोन गैस है जिसको हमने एक्स गैस कंसीडर किया, ठीक है। सुनना इस न्यूमेरिकल को, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई न्यूमेरिकल, सही है। कंटेनर है जिसका वॉल्यूम है 1.5 लीटर, उसमें 2 गैसेस हमने रखी है, एक अननोन गैस है और दूसरी हीलियम गैस है, दोनों को हमने स्मॉल होल ओपन किया तो वहां से इफ्यूज होना दोनों गैसेस शुरू हो गए। 1.5 लीटर पूरी की पूरी हीलियम गैस इफ्यूज होने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा 290 सेकेंड, कितना टाइम लग रहा है 290 सेकेंड, और पूरी तरह से उस कंटेनर से उस सुराख से हीलियम गैस निकल के खाली हो जाएगी। दूसरी जो गैस है अननोन गैस, उसको 1085 सेकेंड लगेंगे, मतलब 1085 सेकेंड लगेंगे पूरा 1.5 लीटर अपने आप को उस कंटेनर से खाली करने में। तो मुझे एक बात यहाँ पर आप ये बताएं, इस सवाल के डाटा से ही आपको ये समझ आ रहा है कि अननोन गैस को ज्यादा टाइम लग रहा है, तो मैंने परसों की क्लास पर कल की भी क्लास में बताया था जो गैस भारी होगी वो आहिस्ते आहिस्ते इफ्यूज या डिफ्यूज होती है और उसको ज्यादा टाइम लगता है। व्हाट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस, कितना गैस का वॉल्यूम डिफ्यूज या इफ्यूज हो रहा है कितने देर में, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस, सही है। अब आपके पास टाइम ऑफ इफ्यूजन ऑफ एक्स गैस 1085 सेकेंड, बेटा ये डायरेक्टली फॉर्मूले में डाटा के अंदर THE, VHE, TX और VX से लिख देना, आपने बताना है कि THE किसको कंसीडर किया, टाइम ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम गैस, वॉल्यूम ऑफ हीलियम गैस V सब्स्टिट्यूट में HE 1.5 dm³, टाइम ऑफ डिफ्यूजन ऑफ X गैस TX सब्स्टिट्यूट में X और 1085 सेकंड्स, वॉल्यूम ऑफ X गैस जो कि इफ्यूज होगा वो कितना है, वो भी 1.5 dm³, दोनों गैसेस के लिए वॉल्यूम सेम है, ठीक है। मोलर मास कितना हीलियम का, 4 ग्राम पर मोल, देखो 4.11 के पहले 4.10 जो हमने न्यूमेरिकल किया था, 4.9 में हमें मोलर मासेस दिए गए थे जिसकी यूनिट हमने ग्राम पर मोल लिखी थी, 4.10 के अंदर हमारे पास रिलेटिव मोलर मासेस दिए गए थे या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस दिए गए थे, उनकी यूनिट नहीं होती। अगर आप यूनिट लिखेंगे तो आपके आंसर कंसीडर गलत होगा, यूनिट आपने नहीं लिखना, रिलेटिव में कभी भी यूनिट नहीं होती क्योंकि वो जस्ट एक वैल्यू होती कंपैरेटिव। अभी यहां पर सवाल में क्या बोला है, मोलर मास, तो मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल, तो हीलियम गैस के मोलर मास कितना होता है 4 ग्राम पर मोल, क्योंकि हीलियम गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 4 एम। दूसरी जो गैस है उसका मॉलिक्यूलर मास आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, सॉरी मोलर मास आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। दूसरी गैस का क्या फाइंड आउट करना है बेटा आपको, मोलर मास, ठीक है। मोलर मास ऑफ द अननोन गैस जिसको हमने एक्स गैस कंसीडर किया जो कि 1.5 लीटर है और 1085 सेकंड में इफ्यूज हो रहा है, उसका मोलर मास आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, आपने लिखा कि ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास ऑफ गैस बी अपॉन मोलर मास ऑफ गैस ए के। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हीलियम और एक्स गैस है, तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पास जो इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है उसको हम किसमें तब्दील कर देंगे, जैसे लेट सपोज गैस ए को हमने क्या सपोज किया, हीलियम, तो आर ए की जगह क्या लिख दिया, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम। गैस बी की जगह अननोन गैस को कंसीडर किया तो आर बी की जगह क्या लिख दिया, आर एक्स इक्वल्स टू एम बी, मतलब गैस बी किसको कंसीडर किया था, अननोन गैस को, तो यहाँ क्या आ गया, एम एक्स। गैस ए किसको कंसीडर किया था, हीलियम गैस को, तो यहाँ क्या आ गया, एम एच ई। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन का मतलब क्या होता है, कितना वॉल्यूम ऑफ गैस इफ्यूज या डिफ्यूज हो रहा है कितने टाइम में, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस
अपॉन टाइम, दिस इज कॉल्ड रेट। तो आर किसके बराबर है, वी अपॉन टी के। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ हीलियम अपॉन टाइम ऑफ हीलियम ऑफ डिफ्यूजन के। इसी तरह से रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस अपॉन टाइम ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस। बकिया फॉर्मूले का बकिया पार्ट सेम ऐसे ही रहा, इक्वल्स टू अंडर रूट एम एक्स अपॉन एम एच ई। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हीलियम गैस जो कि डिफ्यूज हो रहा है कितना 1.5 टीएम क्यूब, डिवाइड बाय टाइम ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम कितना है बेटा 290 सेकंड, वॉल्यूम ऑफ अननोन गैस डिफ्यूजन 1.5 टीएम क्यूब, टाइम ऑफ अननोन गैस डिफ्यूजन इज 1085 सेकंड। 1.5 को 290 से डिवाइड करोगे 1085 आएगा, 1.5 को 1085 से डिवाइड करोगे 290 आंसर आएगा। इक्वल्स टू वैसे ही रहा, mx वैसे ही रहा, 4 वैसे ही रहा। बार बार देखते आए जब भी रूट हटाने क्या लगाएंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर 1085 अपॉन 290 के रेशियो पर भी स्क्वायर, अंडर रूट mx अपॉन 4 के भी पर स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 1085 अपॉन 290 को डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 13.997, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहां mx अपॉन 4 हो गया। 4 mx के डिवाइड में वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4 मल्टीप्लाई में 13.997 किसके बराबर रहेगा आपके पास 55.991 के, जिसको आप 56 भी कंसीडर कर सकते हैं। आंसर क्या होगा इसका, आंसर क्या होगा, द मोलर मास ऑफ, बताओ द मोलर मास ऑफ अननोन, ब्रैकेट में लिख लेंगे एक्स गैस इज 55.991 और 56। मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगी, आंसर सिंपली आपका एक मार्क्स का पूरा कंप्लीट, अब रह गया बकिया तीन मार्क्स। तो आपका इसका जो पूरा फॉर्मूला और पुट करने तक यहाँ तक ये जो पूरा टर्म है इधर से लेकर के यहाँ पूरा कंप्लीट, दिस इज होल एंड होल 1 मार्क्स, कितना हो गया टोटल 2 मार्क्स। ये जो पूरा आपने सॉल्यूशन किया है पूरा ये कंप्लीट इधर से लेकर इधर तक, दिस इज होल एंड होल अबाउट 1 मार्क्स, टोटल कितना हो गया 3 मार्क्स। ठीक है, ये टर्म है आपकी 0.25 मार्क्स की, ये टर्म है आपकी 0.25 मार्क्स की, ये दोनों, और ये वाली भी टर्म है 0.25 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 0.75, और जो आपको फाइंड आउट करना है दिस इज योर 0.25, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए ओवरऑल, जिसको हम कहते हैं डाटा कितने मार्क्स का है आपके पास 1 मार्क्स का। सही है, तो डाटा ओवरऑल कितने मार्क्स का है 1 मार्क्स का। अब आप लोग जो एक एक चीज लिखते हो ना, एक एक चीज के मार्क्स है, अगर किसी ने फॉर एग्जाम्पल इनमें से कोई भी एक चीज मिस आउट कर दी, जैसे मोलर मास अगर किसी ने नहीं लिखा, मैंने कहा ये पूरा ओवरऑल सोल 0.75 मार्क्स का है। सही है, तो अगर आप इसमें से कोई भी चीज गायब करते हो तो उसके जो रिलेटिव मार्क्स है वो आपके कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, और हर क्वेश्चन में डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं कैंसिल आउट होता, जैसे कैसे होता है फॉर एग्जांपल इधर आपने 0.25 मार्क्स जो है छोड़ दिए, आपको इधर नहीं कटेंगे वो क्वेश्चन का मार्क्स, अगले सवाल में 0.25 मार्क्स छोड़ दिए वहां भी नहीं कटेंगे, अगले सवाल में 0.5 छोड़ दिया तो वहां डायरेक्टली एक मार्क्स काट देंगे, क्योंकि आप पीछे रिलेटिवली 0.25 मतलब 0.5 पीछे वैसे ही छोड़ के आए मार्क्स। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास पूरा कंप्लीट कौन सा न्यूमेरिकल हो गया 4.11 ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के, इसके अलावा कोई और न्यूमेरिकल आपकी बुक में फिलहाल मौजूद नहीं है। ठीक है भाई, सारा बंद कर दिया।